राजस्थान में बढ़ते लंपीवार, बढ़ी बिजली दर, बिगड़ती कानून व्यवस्था और किसानों की कर्ज माफी को लेकर राजस्थान बीजेपी ने जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन के दौरान विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के उग्र विरोध के बीच राजस्थान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और विधानसभा भवन से पहले ही भीड़ को रोक दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान विधानसभा पहुंचे, जहां उपराष्ट्रपति के सम्मान में विधानसभा में गार्ड ऑफ ऑनर का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के अलावा सीएम गहलोत और स्पीकर सीपी जोशी मौजूद थे। बता दें कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद विधानसभा का यह उनका पहला दौरा है। वहीं जगदीप धनखड़ के इस दौरे की जानकारी एक आधिकारिक बयान जारी करके दी गई थी। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती अभी राजस्थान के दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान निश्चलानंद सरस्वती का एक बयान फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि मोहम्मद साहब और ईसा मसीह के पूर्वज हिंदू थे। साथ ही उन्होंने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के सवाल पर कहा कि ज्ञानवापी की क्या बात करते हैं, हम तो मक्का तक पहुंच गए, वहां भी मक्केश्वर महादेव है। अभी दुनिया के 15 देश हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी में है, वे सिर्फ भारत के रुख का इंतजार कर रहे हैं। ईसा मसीह जी के भी पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही सिद्ध होते हैं। वेदार्यक उपनिषद के अनुसार श्रीमन नारायण से प्रथम अभिव्यक्ति ब्रह्मा जी की हुई। ब्रह्मा जी को सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक माना गया है। ब्रह्मा जी ने योग बल का लंबन लेकर स्वयं को मन और शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा ने 84 लाख योनियों में जितने भी स्त्री शरीर संभावित उन सब रूपों में स्वयं को व्यक्त किया। उन्होंने 84 लाख योनियों में संभावित पुरुष शरीरों के रूप में स्वयं को भी व्यक्त किया। इससे सिद्ध होता है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्यों ही हैं। राजस्थान में सर तन से जुदा करने की धमकी देने के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजस्थान के अलवर में भी उदयपुर जैसी घटना को अंजाम देने की धमकी बीजेपी कार्यकर्ता को दी गई है। बीजेपी कार्यकर्ता चारुल अग्रवाल का आरोप है कि सोमवार को सुबह जब वो अपने घर से बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकले तो फ्लैट के बाहर उनको एक धमकी भरा पत्र रखा मिला। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर जनतांत्रिक युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन में मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लंपी को महामारी घोषित करने की मांग की, जबकि सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार गौ पालकों को 50,000 मुआवजा दे। राजस्थान के नागौर में सोमवार को गैंगस्टर संदीप सेठी की स्थानीय अदालत के बाहर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। संदीप सेठी की हत्या की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने फेसबुक पोस्ट जारी करके ली। बम्बीहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग का विरोधी है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बम्बीहा गैंग का यह पहला पलटवार है। और अब दविंदर बम्बीहा नाम के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा है, सबका नंबर आएगा। कोटा शहर की सड़कों के बिगड़ते हालातों पर कोटा उत्तर से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर निशाना साधा है। एक वीडियो जारी करके पूर्व विधायक ने कहा कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक बयान जारी कर कोटा की सड़कों को जल्द ठीक करने की बात कही थी, लेकिन उनके वादे सिर्फ खोखले ही हैं। चुनाव के समय उन्होंने KEDL को हटाने और ट्रेचिंग ग्राउंड को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही थी, लेकिन ये दोनों वादे भी अभी तक पूरे नहीं किए गए। 20 सितंबर को राजस्थान के जयपुर में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा कूच के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता काफी उग्र नजर आए और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। इसी झड़प के दौरान बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी का हाथ फ्रैक्चर हो गया और अस्पताल में इलाज जारी है।
राजस्थान में पूर्व विधायक भी अब सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा कर सकेंगे। पूर्व विधायकों की विदेश यात्रा के 1,00,000 रुपए तक किराए का खर्च सरकार उठाएगी। सरकार ने इसके लिए कानून में बदलाव करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पूर्व विधायकों की विदेश यात्रा के किराए का खर्च उठाने का नियमों में प्रावधान करने के लिए विधानसभा में बिल पेश कर बहस के बाद आज पास कर दिया गया, जिसमें किसी भी पार्टी के विधायकों ने इस पर आपत्ति नहीं जताई।